अस्सलाम वालेकुम होरिया किचन्स में आपका वेलकम। तो आज मेरी रेसिपी है ग्रीन चिकन लाहौरी, जो बहुत ही यम्मी और बहुत ही लाजवाब रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनता है। ये ग्रीन चिकन लाहौरी है जो बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यम्मी मिलता है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट्स में फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैंने 8 से 10 जो है ग्रीन चिली ली है, इसे टुकड़ों में कट कर लिया है और ये एक बिंच जो है धनिया की पत्ती है। इन दोनों को मैं मिक्सर जार में डालकर और इनको थोड़ा सा पानी डालकर इसमें स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। हम ग्रीन चिकन बना रहे हैं तो इसलिए मुझे ये पेस्ट बनाना है। ये देख सकते हैं आप कि मेरा ग्रीन पेस्ट है वो रिबन कर रेडी हो गया है। अब मैंने पैन गरम किया, उसमें आधा कप ऑयल डालूँगी और 5 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें देसी घी ऐड करूँगी। और जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी। तेल गर्म हो गया है तो मैं इसमें 3 से 4 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक यानी लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड और इसे कुछ सेकेंड के लिए, कुछ मिनट के लिए फ्राई करूँगी। आप देख रहे हैं कि मैं इस लहसुन और अदरक के पेस्ट को ऑयल और घी में फ्राई कर रही हूँ। ये फ्राई हो चुका है तो अब इसमें 1 टेबल स्पून मैं जो रेड चिली पाउडर डालूँगी और 1.5 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर डालूँगी और इसे भी अच्छे से मिक्स करूँगी। पाँच से 7 मिनट इसे हमें रोस्ट करना है ऑयल और घी और जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ। पाँच मिनट हो चुके हैं तो मैं इसमें 1 केजी चिकन जो है डाल दूँगी। ये 1 केजी चिकन है जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, इसका पानी ड्रेन कर लिया। अब मैं इसे कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी। सारे चिकन को मैं डाल दूँगी और इसे 7 से 8 मिनट मिर्ची और हल्दी पाउडर के साथ इसे फ्राई करूँगी। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है, फ्राई करना है। चलाते हुए स्पून से फ्राई करना है, इसकी फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। इसे ढक दूंगी और कब ढक कर इसे करूंगी। आठ मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं चिकन ने पानी छोड़ दिया है तो फिर से इसे चलाते हुए इसे कुक करेंगे। लगातार चलाना है। अब इसमें मैंने जो ग्रीन चिली का पेस्ट बनाया था, ग्रीन चिली और धनिया का, वो इसमें डाल दूंगी और अब इसे मैं मिक्स करूंगी और मिक्स करने के बाद इसे कुक करूंगी। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, ऐसे अच्छे से मिक्स करना है और इसे 5 से 7 मिनट कुक करना है। चिकन को 5 से 7 मिनट कुक करना है। देख सकते हैं 7 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं इसे फिर से मैं चलाऊंगी। चिकन ने बहुत से पानी छोड़ दिया है। अब इस पे मैं 200 ग्राम दही डालूंगी। 200 ग्राम मैंने दही डाल दिया इसमें और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पे दही को नहीं मिक्स करना है वरना दही हमारी फट जाएगी। इसलिए फ्लेम को मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर दही को मिक्स करना है चिकन के साथ। अब दही के साथ चिकन को पकाना है।
कुछ मिनट के लिए। बीच में इसकी लीड को हटाएंगे और 1 टेबल स्पून के करीब इसमें सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। इसे फिर से मैं मिक्स करूँगी क्योंकि मैंने नमक डाला है। कुछ मिनट कुक करने के बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करना है। अब इसके लीड को मैंने हटा दिया और इसमें 1.5 टेबल स्पून जो है गरम मसाला, 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून जो है रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, ये इसमें ऐड कर देंगे। और एक जो है मीडियम साइज़ का फ्राइड ऑनियन का पेस्ट, यानी तली हुई प्याज का पेस्ट है, ये मीडियम साइज़ की है ये प्याज। और एक ही प्याज का पेस्ट हमें लेना है और बिना पानी का पेस्ट होना चाहिए। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और इसे 10 से 15 मिनट कुक करूँगी। इसको कवर करके 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक करना है। मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं चिकन जो है वो टेंडर हो गया है। अब इसमें मैं 1 कप फ्रेश क्रीम ऐड करूंगी। ये 1 कप जो है फ्रेश क्रीम है जिसे मैं डाल दूंगी और इसे भी मुझे मीडियम फ्लेम पर रखना है और इसे मिक्स करना है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसे 5 मिनट तक कुक करना है। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने क्रीम को जो है अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं कुछ कोरिएंडर लीव्स ऐड करूँगी, कटी हुई कोरिएंडर लीव्स ऐड करूँगी। अब इसे 5 से 7 मिनट ढक कर कुक करना है। 7 मिनट हो चुका है। अब इसकी ग्रेवी भी बहुत थिक हो चुकी है। अब इसे ढक दूंगी और इसके फ्लेम को मैं स्विच ऑफ कर दूंगी और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट भी रख दूंगी। उसके बाद मैं इसमें स्मोक का फ्लेवर दूंगी। अब 5 मिनट बाद मैंने कोयले को गर्म किया है और इसमें स्मोक दूंगी। 5 से 7 मिनट हमें इस चिकन को स्मोक देना है। इसे ढक देंगे और 5 से 7 मिनट इसे स्मोक देंगे। 7 मिनट के बाद इसे मैं डिश आउट कर आपको दिखाती हूँ। या आप देख सकते हैं कि मेरा ग्रीन चिकन लाहौरी जो है वो बनकर रेडी हो गया है, जिसे मैंने धनिये की पत्ती के साथ गार्निश किया है, जो बहुत ही यम्मी और बहुत ही लाजवाब बनता है और ये बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।